श्रीराम कुमार वर्मा जी सर, सबसे पहले मैं सर आदरणीय सभापति जी आपको उपसभापति जी आपको धन्यवाद करता हूँ, साथ में मेरी पार्टी को भी धन्यवाद करता हूँ कि मुझे इस बिल पर बोलने के लिए। द कलेक्शन ऑफ स्टेटिस्टिक बिल अमेंडमेंट बिल 2017, हमारे ऑनरेबल मेंबर ने पूछा कि बिल कौन सा है, इस पर मुझे अवसर दिया उसके लिए धन्यवाद। साथ में इसी अवसर पर मैं उन हमारे एक विख्यात वैज्ञानिक सांख्यिकीविद प्रोफेसर प्रशांत जी को भी याद करना चाहूँगा, क्योंकि पूरे देश में, न केवल देश में लेकिन इंटरनेशनल लेवल पर भी सांख्यिकी दिवस के रूप में उनका जन्मदिन 29 जून को मनाया गया, उनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है। मैं इस संबंध में ये भी कहना चाहता हूँ कि स्टेटिस्टिक्स जो देन है वो भारत की देन है, उसके अंदर हमारे विद्वान जो वैज्ञानिकों ने जो कार्य किया, और स्टेटिस्टिक्स किसी देश के विभिन्न पहलुओं पर, आर्थिक देखें, सामाजिक देखें, और जनसांख्यिकी को देखें, वैज्ञानिक देखें, एनवायरनमेंट दें, विभिन्न पहलुओं पर देखें, तो उसका बड़ा महत्व है। महत्व इसलिए है कि सांख्यिकी के जो डाटा संग्रह होता है उसके आधार पर जो अनुसंधान होता है, विश्लेषण होता है, और उसके कारण और प्रभाव को देखते हुए उसके निर्णय लिए जाते हैं, देश की अर्थव्यवस्था साथ में सामाजिक सरोकार के विषय भी उसके अंदर प्रभावित होते हैं। इसीलिए आज मैं माननीय मंत्री श्री सदानंद जी गौड़ा जी को भी धन्यवाद दूंगा कि उनके मंत्रालय ने जो हमारे एग्जिस्टिंग द कलेक्शन ऑफ स्टेटिस्टिक्स 2008 जो है उसमें कुछ बहुत सारी ऐसी कमियां रह गई थी, जिसके कारण से हमारा जो पर्पस एक सांख्यिकी का होना चाहिए, प्रामाणिकता के साथ में, विश्वसनीयता के साथ में, और पूरे देश के अंदर उसका कहीं कोई विवाद भी नहीं उठे, उसको दृष्टि में रखते हुए इस बिल के अंदर जो अमेंडमेंट प्रस्तुत किए हैं वो प्रासंगिक हैं, जरूरी हैं, और उनका जरूरी है। जैसा कि ये बिल आज़ादी के बाद में 1953 में जो कलेक्शन ऑफ स्टेटिस्टिक्स एक्ट बना, उसके बाद में बहुत समय के बाद में इसमें फिर सुधार किया गया, और 2007 में इस राज्यसभा के अंदर प्रस्तुत हुआ, और 2008 में ये पास हुआ, और उसके बाद में 2010 के अंदर ये लागू किया गया, जिसमें भी बहुत देरी थी। इसी तरह से एक बिल की कलेक्शन के लिए जम्मू एंड कश्मीर कलेक्शन ऑफ स्टेटिस्टिक्स का बिल 2010 में वो भी किया गया। सबसे मैं इस बिल की बहुत ज़्यादा हिस्ट्री में नहीं जा करके, चूँकि समय मुझको भी कभी मिला है, उसको देखते हुए मैं सबसे पहले इसका ये कहूँगा कि इस बिल से, क्योंकि स्टेटिस्टिक्स की जो महत्वता है, उसकी जो प्रासंगिकता है, उसको देखते हुए जो हमारा एग्जिस्टिंग बिल है उसका ज्यूरिडिक्शन के अंदर जम्मू एंड कश्मीर को शामिल नहीं किया गया, जम्मू और कश्मीर को उसका विस्तार क्षेत्र में वो नहीं था, उसको अलग रखा गया। हम कहते हैं कि फेडरल सिस्टम को हम फॉलो करें, चाहे वो इकोनॉमिक हो चाहे वो पॉलिटिकल है, फेडरल सिस्टम के आधार कॉन्स्टिट्यूशन के उस फेडरल में जो हमारी शेड्यूल 7 है उसमें संघीय सूची है, राज्य सूची है, और राज्य सूची के साथ में एक समवर्ती सूची है, तो यूनियन लिस्ट और इस तरह से स्टेट और कंकरेंट जो लिस्ट है उसके अंदर स्टेट का जो डाटा कलेक्शन होगा, स्टेटिस्टिक्स आएगी, उस जम्मू एंड कश्मीर एक्ट के तहत आएगा। लेकिन सेंटर को ये पावर नहीं था इस बिल जो 2008 का एक्ट जो है उसमें, कि वो किस तरह से जो सेंटर के इश्यू हैं, जो विषय हैं, आदरणीय सम्माननीय जयराम रमेश जी ने बताया कि बहुत सारे विषय हैं। मैं अनुरोध करना चाहूँगा और निवेदन करना चाहूँगा कि वो विषय ऐसे हैं जो देश के लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, अगर उनसे संबंधित हमारी सांख्यिकी और डाटा का संग्रह अगर कहीं से भी कोई विरोधाभास होता है, तो चूंकि सांख्यिकी वो अंकगणित नहीं, वो विज्ञान है, जिसके आधार पर जो कारण और प्रभाव का जो निष्कर्ष निकला को रिलेट हम करते हैं, अगर उसमें थोड़ी सी भी कहीं कमी होती है तो निश्चित है कि उसके रिजल्ट है जो गलत जाएंगे, उसे नुकसान होगा।
आज के वर्तमान वातावरण में जो जिस तरह का बहुत सारे सरोकार हैं उसको देखते हुए सबसे पहले मैं दो तीन ये धाराओं के अंदर जो हमारे अमेंडमेंट किए हैं, बहुत कम अमेंडमेंट हैं लेकिन बहुत प्रभावी और बहुत प्रासंगिक और बहुत ज़रूरी भी है। सबसे पहले यही अमेंडमेंट कि ज्यूरिडिक्शन, हम जब अनेकता में एकता की बात करते हैं हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कहता है, उस भावना और उस फील को लेते हुए बहुत ज़रूरी है कि जम्मू एंड कश्मीर हमारा हिस्सा है लेकिन यूनियन टेरिटोरी के इश्यू यूनियन टेरिटोरी करेगी, स्टेट करेगा और सेंटर करेगा, लेकिन सेंटर हमारी फेडरल जो शेड्यूल 7 के अंदर जो हमारी संघीय सूची और समवर्ती सूची है उससे संबंधित जो आंकड़े और संग्रह होगा वो विश्वसनीयता के साथ में आए और उनके अंदर प्रामाणिकता हो। और प्रामाणिकता के साथ साथ में जब भी कोई योजना, आज के समय में जिस तरह से चाहे वो जनकल्याणकारी योजनाएँ हैं, चाहे वो अन्य निष्कर्ष निकालने वाली चीज़ है, चाहे जीव विज्ञान में है, चाहे मनोविज्ञान में है, चाहे हेल्थ के क्षेत्र में है, अगर उसमें थोड़ा सा भी कहीं अंतर आता है तो निश्चित है कि केंद्र के पास में वो पावर नहीं थे जो इस अमेंडमेंट के द्वारा एक हमारा ज्यूरिडिक्शन का विस्तार जम्मू एंड कश्मीर को हमने अलग कर रखा था। वो एक हमारे सबके लिए भी एक अच्छी बात नहीं लग रही थी कि जम्मू एंड कश्मीर को अलग क्यों किया गया, तो वो होगा। दूसरा, इसके अंदर जो महत्वपूर्ण बात मैंने जो अनुरोध किया कि संघीय सूची और समवर्ती सूची के विषयों पर भी हमारे संग्रह करने के लिए केंद्र सरकार को इसमें पावर मिलेगी, साथ में जो हमारा एग्जिस्टिंग एक्ट है उसके अंदर कहीं इस तरह की व्यवस्था नहीं थी, ना स्टेट लेवल पर थी, ना सेंट्रल लेवल पर थी, ना यूनियन टेरिटोरी और बॉडीज के अंदर कि वहाँ पर कोई कोऑर्डिनेटर हो, ऐसा नोडल ऑफिसर हो जिससे कि हम अपने इस कलेक्शन जो स्टेटिस्टिक्स जो कलेक्शन के लिए कोऑर्डिनेट कर सके, उनके द्वारा टाइम पर वो आ सके और जिस टाइम पर निश्चित टाइम पर आए तो जिसके कारण से हम हमारे देश के लिए हर क्षेत्र के लिए योजनाएं बनाए उनको कर सके, उसके लिए भी एक नोडल ऑफिसर का जो प्रोविजन किया है वो बहुत महत्वपूर्ण होगा। सर थोड़ा सा निवेदन करूंगा इसी के साथ में, जो ये नोडल ऑफिसर के साथ में दूसरा इसमें जो महत्वपूर्ण प्रावधान जो किया गया है वो तीन इसके अंदर की एक केंद्र सरकार ये सांख्यिकी अधिकारी को पहले जो ये एग्जिस्टिंग हमारा जो एक्ट है 2008 में उसको कोई पावर नहीं है, मॉनिटरिंग नहीं कर सकता, लेकिन इसके तहत इसमें प्रावधान दे दिया गया है कि उसके एक अधिकार क्या होंगे, एक ड्यूटीज क्या होंगी और उन अधिकारों का प्रयोग करते हुए प्रयोग उस सकारात्मक और पॉजिटिव में होगा कि हमारे जो डाटा और हमारा जो स्टेटिक्स हो वो विश्वसनीयता और प्रमाणिकता के साथ में आए, उसकी मॉनिटरिंग होगी। इसी के साथ में इसमें ये प्रोविजन किया गया है अगर किसी भी एजेंसी के द्वारा, किसी स्टेट के द्वारा, किसी भी डिपार्टमेंट के द्वारा और उस डिपार्टमेंट का संबंधित अधिकारी अगर कहीं भी हमारे कलेक्शन जो स्टेटिक्स कलेक्शन के अंदर कोई विसंगति छोड़ता है, कमी छोड़ता है, तो वो पेनलाइज भी होगा, उस पर कार्रवाई भी होगा और वो रेस्पॉन्सिबल उस व्यक्ति की, उस संस्था की होगी, जिससे कि मैं समझता हूँ कि इस तरह के जो प्रोविजन किए गए हैं बिल्कुल सर ये प्रासंगिक है और ये देश के लिए बहुत हित है। ओके, सभी से अनुरोध ये करूंगा कि ये निश्चित है कि पूरा होगा। इसी के साथ में बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। ओके, थैंक यू।